गुड मॉर्निंग। आज हम कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं? इंग्लिश। इंग्लिश में बुक नंबर 1, उसमें पेज नंबर 48। कौन सा? 48। और क्या सीखने वाले हैं? कैपिटल लेटर पी। क्या सीखने वाले हैं? कैपिटल लेटर पी। पी फॉर पैरोट। ऑन द बोर्ड मैंने सिखाया ना, पी फॉर पैरोट, पी फॉर पीकॉक। विच पिक्चर इज दिस? पैरोट। तो उसकी स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? पी से। पी फॉर पेयर। एक उसकी स्पेलिंग भी कहाँ से स्टार्ट होती है? पी से। पी कैसे लिखते हैं? दो पैटर्न से हम लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन और रिवर्स कर्व्स। तो सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे। स्टैंडिंग लाइन करो रेड से ब्लू, और रिवर्स कर्व्स ऐसे ज्वाइन करना है, तो क्या बन जाएगा? पी। पी फॉर पैरोट। पी फॉर पैरोट। रेड टू ब्लू में स्टैंडिंग लाइन और रिवर्स कर्व्स, तो पी फॉर पैरोट बन जाएगा, कैपिटल लेटर पी। सबसे पहले आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे ट्रेस करना है। फिर अपने आप लिखना है। देखो यहाँ पे डॉट दिया गया है, वहां से आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी डॉट के ऊपर पेंसिल रख के रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन बनाओ, और फर्स्ट ब्लू लाइन है वहाँ तक रिवर्स कर्व करके जॉइंट कर देना है, तो क्या बन जाएगा? पी। पी फॉर पैरोट। बोलते भी जाना है और लिखते भी जाना है। पी फॉर पैरोट। पी फॉर पीकॉक। पी फॉर पैंक। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो पी से स्टार्ट होते हैं। पी फॉर पैरोट। स्टैंडिंग लाइन बनाओ और रिवर्स कर्व करके ज्वाइंट करो, कैपिटल लेटर पी। क्या लिख रहे हो? कैपिटल लेटर पी। डॉट के ऊपर पेंसिल रख के स्टैंडिंग लाइन रिवर्स कर्व करके ज्वाइंट करना है, तो पी फॉर पैरोट। पी फॉर पैरोट। ये आपका क्या था? क्लास वर्क था, और ये आपका होमवर्क है। आपको ये होमवर्क में लिखना है, पेज नंबर 49। बाय बाय किड्स।